सभी का स्वागत है ब्लैक लू गेमिंग में। और आज मैं माइनक्राफ्ट में पकड़ रहा हूँ मछली, तो और कर भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि पिछले भाग में तो लूट गया हूँ मैं। जो विलेजर्स थे उन्होंने मुझे बुरी तरह से लूटा है, और सोच रहा हूँ मैं थोड़ा खाना इकट्ठा कर लूँ यहाँ से, तो अपने घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ मिलेगा। ऊपर से मेरी जो फिशिंग रोड है वो इंचेंटेड नहीं है, मेरे पास इंचेंटेड टेबल होते हुए भी मैंने अभी तक इसको इंचेंट नहीं किया है। कोई नहीं, इसको देखेंगे जब हमारे पास सामान होगा तब हम इसको इंचेंट करेंगे। तो आज हम जाने वाले हैं वुडलैंड मेंशन में, और उसके लिए मैंने सामान इकट्ठा किया हुआ है। और आप मेरा खेत देख सकते हो, पूरा खाली हो चुका है, और बीच बीच में आप जो ये गड्ढे देख रहे हो, मतलब कि जहाँ से खेत ख़त्म हुआ है वो जगह देख रहे हो, तो ये जगह ऐसे बनते हैं जब आप खेत पर ऐसे कूदते हो बार बार तो खेत ख़राब हो जाता है। देखिए खेत ख़राब हो गया, तो ऐसे खेत ख़राब हो जाता है, इसलिए अपने खेत पे ज़्यादा कूदा मत करो, नहीं तो आपका खेत ख़राब हो जाएगा। तो वुडलैंड मेंशन के लिए मैंने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है, जिसमें मेरे पास खाना है और साथ ही मेरे पास कबल स्टोन है और लकड़ियाँ भी है। साथ ही मैंने अपना बो और एरो ले लिए है, और मेरे पास जो टॉर्चेज है टॉर्चेज भी साथ में है, और मेरे पास कुछ टूल है, और साथ ही मेरे पास जो मेरा कंपास है वो भी मेरे पास है। और अंदर से जाके हम फटाफट से बेड ले लेते हैं, क्योंकि हमें बेड की ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा। बोर्ड के साथ ही मैं कुछ चीज़ें रख लेता हूँ, मैंने लेड रख ली है, और मुझे कुछ चेस्ट भी चाहिए, तो पहले चेस्ट बना लेता हूँ और बोर्ड भी साथ में बना लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड की मुझे ज़रूरत है अभी। और मैंने दो चेस्ट बना लिए हैं, दो चेस्ट काफ़ी है। साथ ही देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या क्या सामान है। ओके, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, और मेन चीज़ हमारी मैप है, मैप को भी रख लेता हूँ, क्योंकि ये तो हमारी मेन चीज़ है। और अब मैं ले लेता हूँ जो मेरे आर्मर है उनको ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको लूँगा जो हेलमेट है, और हेलमेट लगा लिया है, साथ में देखता हूँ मेरे पास पैंट भी है, अगर होगी तो उसको ले लूँगा, नहीं होगी तो कोई नहीं। ओके, तो नहीं है। और साथ में अब मैं नाव बनाने वाला हूँ, और नाव बनाने की रेसिपी कुछ इस तरीके से, आपको लकड़ियाँ इस तरीके से रखना है, और बीच में आपको रखना है चावल, और जो हमारी शेडल है शेडल को भी हम रख लेते हैं। तो हमारे पास सामान आ गया है। और एक बात और, पिछले भाग में जो कोरियोग्राफर मैं करे जा रहा था, वो कोरियोग्राफर नहीं है, वो कैटोग्राफर है। मैंने गूगल पर रिसर्च किया था, तो कैटोग्राफर का मतलब होता है जो मैप को पढ़ सकता है और मैप को बना सकता है, वही कैटोग्राफर होता है। और जो आप मेरे गधे पर अभी चेस्ट देख रहे हो, इस चेस्ट को लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको चेस्ट लेना और उसके पास जाना है, अटैच चेस्ट का बटन आएगा, तो उस पर क्लिक करके आप अटैच चेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसी गधे पर जाने वाला हूँ, और दोबारा से एक बार देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या है। ओके, तो मेरे पास काफ़ी सामान है, और जाने से पहले मैं तीन क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि बाहर जाने के बाद मैं तो क्वेश्चन देख नहीं पाऊँगा। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पूछा है माइनक्राफ्ट विंडो 10 हिंदी ने, की जो आई एम स्टक इन एंड सिटी, हाउ आई कैन गो टू माय होम। तो पहले इनका बोर्ड लगा लेते, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको तरीका कि कैसे आप अपने जो स्पॉन लोकेशन उस पर कैसे आ सकते हो, उसके मैं कुछ तरीके बताऊँगा आपको। ओके, तो बोर्ड लग गया है। तो भाई देखो, अगर आप एंड सिटी में हो और बाहर आना चाहते हो, तो आप किसी भी लोकेशन में हो, किसी भी पोर्टल में हो, तो सबसे पहले जो आपके कोऑर्डिनेट है, जो ऊपर दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट, उनको आप ऑन कर लो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो आपको पोजीशन ढूंढनी होती है, वो जो पहले जो नंबर है और लास्ट का नंबर, ये दोनों ज़ीरो होंगे, वहीं आपकी स्पॉन लोकेशन होंगी, चाहे वो आपका पोर्टल की स्पॉन लोकेशन हो या आपका एंड सिटी की लोकेशन हो। तो अगर ये दोनों 0-0 है, तो इसका मतलब है कि आप सही लोकेशन पर हो। और अगर आपका कोऑर्डिनेट ऑन नहीं हो रहा है, तो आप टॉर्चेस का इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं जाने से पहले आप टॉर्चेस लगा के जाओ, ताकि आप भटको ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पूछा सुपर गेमर ने, कि हाउ टू डाउनलोड माइनक्राफ्ट टेक्सचर पैक। भाई देखो, अगर आप टेक्सचर डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं इस एप्लीकेशन को प्रेफर करूँगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको टेक्सचर पैक वगैरह सब कुछ मिल जाता है, जो मोड वगैरह होता है वो सब कुछ है इसमें, बस आपको डाउनलोड करना होता है और स्टार्ट कर देना होता है। तो बिल्कुल सिंपल, आप जाके यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन आप ढूंढ सकते हो, लेकिन मैं तो यही यूज़ करता हूँ टेक्सचर और वर्ल्ड डाउनलोड करने के लिए। जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा है कृष्णा तिवारी ने, कि भाई नेदर रिएक्टर कोर का क्या यूज़ है। तो जो नेदर रिएक्टर कोर होता है, ये एक डेकोरेटिव ब्लॉक होता है, आप इसको क्राफ्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको पिकैक्स से तोड़ते हो, तो आपको 3 डायमंड मिलते हैं। इन जो हमारे नए वर्जन आ रहे हैं, इसमें नेदर रिएक्टर कोर को बंद कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है इसको भी, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो। मुझे नहीं पता है कि इसको हटाए क्यों है, पहले किसी काम का नहीं था इसलिए इसको हटा दिया है। तो क्वेश्चन हमारे हो गए, और हम चलते हैं बाहर, और मैप को देख कर हम जाएंगे सीधा वुडलैंड मेंशन में। तो पहले मैप को रख लेते हैं दूसरे हाथ में,
कि हमें लगातार दिखना चाहिए कि जो हमारी लोकेशन है वो किधर है। तो सबसे पहले मैं जो लैश है उसको ले लेता हूँ। ओके, तो अब चलते हैं और जो मेरी लोकेशन अभी बता रहा है वो मुझे जाना पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, तो चलते हैं इस तरफ। ओके, तो मुझे शैडल लगानी पड़ेगी पहले। ठीक है, अब चलते हैं इस तरफ। तो हम निकल चुके हैं हमारी जो वुडलैंड मेंशन की जर्नी है उसके लिए, और हम ढूंढेंगे वुडलैंड मेंशन को। और जो लोग पूछ रहे हैं कि वुडलैंड मेंशन में ऐसा है क्या जो मैं वहां जा रहा हूँ, तो मैं बता दूं कि वहां पर एक मॉब है जिसका नाम है इवोकर, और उसको मारने से आपको मिलता है टोटेम ऑफ अंडाइंग, जो काफ़ी काम की चीज़ होती है। तो हमें काफ़ी आगे जाना पड़ेगा और पता नहीं है कि किधर जाना पड़ेगा। और मैं अपने घोड़े के लिए सामान लेना भूल गया हूँ, जो इसका खाना है वो लेना भूल गया। सॉरी, घोड़ा नहीं है, गधा है, क्योंकि इस गधे का मैं ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। इस पर मैं सामान भी रखूँगा। मैं थोड़ा यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, और यहाँ रात हो गई है तो मैं फटाफट बेड लगा के सो जाता हूँ। और जो मैं सोच रहा था मेरे साथ वही हो गया है। मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला था, तो फटाफट मैं अपनी लेड ले लेता हूँ। तो देखते हैं हमारा घोड़ा कहाँ है। ये रहा, और ये मर रहा है, इसको जल्दी से लेड पहनानी होगी। शिट, मेरा जो घोड़ा है वो मर गया है, क्योंकि पानी में डूब गया था, निकल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मर गया है। अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा पैदल पैदल, और अगर बीच में कोई घोड़ा मिलता है तो मैं उसको टेम करूँगा। तो मैप में तो हम अभी सही जा रहे हैं, और ये वही एरिया है जहाँ से मैं वुल्फ पकड़ के लाया था। और सामने देखिए एक वुल्फ है, हो सकेगा तो हम इसको टेम करेंगे। और जो ये वुल्फ होते हैं, अगर हम इसको टेम नहीं करते तो ये शिकार करते हैं जो दूसरे मॉब होते हैं, जैसे काऊ है। ओके, तो इसको ऐसे टेम नहीं कर सकते हम, हमें हड्डियाँ ही चाहिए इसको टेम करने के लिए। तो देखिए हम फिर से अकेशिया बायोम में आ गए हैं, जिसमें अकेशिया वुड मिलती है, जो हमारे पास ये वुड है जिसके लिए लोग बोल रहे थे कि मैं कहाँ से लाया था। तो मैं यहाँ से लाया था ये वुड, नहीं मैं यहाँ से नहीं लाया था, मैं दूसरी जगह से लाया था। वो काफ़ी ज़्यादा दूर थी और ये वाली पास है काफ़ी। अच्छा है कि मुझे ये वाली लोकेशन पास में मिल गई है। और जो लोग पूछते हैं मुझसे कि जो ये सर्कल होता है, ये सर्कल छोटा कैसे होता है, तो मैं बता दूं कि जो हमारा फ़ोन होता है, फ़ोन का जो PPI होता है, मतलब पिक्सल पर इंच, अगर वो आपका ज़्यादा है तो ये आपको छोटा दिखेगा, और अगर आपका ये कम है तो आपको ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। चाहे आपकी स्क्रीन कितनी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, मेरी जो स्क्रीन है वो 5 इंच की स्क्रीन है, लेकिन जो मेरा PPI है वो 400 कुछ का PPI है, की वजह से जो सर्कल है वो बड़ा दिखता है। और ये देखिए, यहाँ एक ख़तरनाक जगह है जहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं कूदना चाहूँगा। एक खाई है, और इस खाई के तो मैं बिल्कुल भी पास नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन दिखा दूँ मैं आपको फिर से। देखिए खाई है, और मैं सो जाता हूँ पहले, क्योंकि शाम हो गई है और रात होते होते अगर कोई ज़ॉम्बी आता है तो परेशान कर सकता है मुझे। तो ये मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ की है कि मैं अपना बेड साथ में लाया हूँ, साथ में जो मेरी लोकेशन है वो भी सेट हो जाती है। और मुझे घोड़ा मिल गया है, मेरी जो स्पीड है उसको तेज़ करने के लिए, तो जल्दी से इसको टेम कर लेते हैं। ओके, तो फिर से ट्राई करते हैं एक बार फिर से। तो टेम हो गया है, और इसको जल्दी से हम पहना लेते हैं हमारी शडल। ओके, तो शडल पहना दिए और चलते हैं वो अपनी लोकेशन पे। और ये देखिए मेरी किस्मत, जब मैंने इसको शडल पहनाई तभी यहाँ पर पानी आ गया है। ओके, तो इससे आगे सारा गंदा पानी ही है, तो हमें छोड़ना पड़ेगा अपना घोड़ा, क्योंकि अब हमें पैदल जाना होगा। ये हमारा एडवेंचर है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मुझे पता है ये मुश्किल होने वाला है, पर कोई नहीं, इसमें मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। और अब हम अपनी बोट निकालने वाले हैं, तो अब जो बाकी का सफ़र है वो हम बोट से करने वाले हैं। और बोट को चलाने के लिए आपको दोनों पे होल्ड करना पड़ता है इस तरीके से, तो आपके सामने चलती है। और
पर पहुंच गए हैं, जिससे आगे सिर्फ समुंदर है, तो समुंदर में मुझे नाव से जाना पड़ेगा। और फटाफट अपनी नाव पर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। ओके, तो हमें इस लोकेशन में जाना है, इस तरफ। और यहाँ पर मुझे एक इग्लू मिला है, जो अभी आप देख रहे हो, मुझे एक इग्लू मिला है। तो मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। तो हम जाने वाले इग्लू के अंदर, और देखिए इग्लू है, इग्लू के अंदर एक बेड होता है, और बेड के साथ ही हमें मिलते हैं क्राफ्टिंग टेबल और एक रेडस्टोन टॉर्च और एक मिलता है फर्नेस। तो इस बेड को हम निकाल लेते हैं। और सबसे खास बात इग्लू की जो होती है, यहाँ पर आपको मिलता है एक सीक्रेट बेस, जो मिलेगा कुछ यहाँ। तो चलते हैं सीक्रेट बेस के अंदर। ओके, तो हम सीक्रेट बेस के अंदर जा रहे हैं, और इसके अंदर मिलने वाली काफ़ी खास चीज़ों में अभी दिखाने वाला हूँ आपको, जिसके लिए हम नेदर में जाने वाले थे। तो ये सीक्रेट बेस है, जो हमारे लिए खजाने से कम नहीं है। और यहाँ हमें एक चेस्ट मिलता है, और चेस्ट के अंदर देखिए कितने सारे एप्पल है, और हमें कोयल भी मिल गए है, और इससे हम मछलियों को पकाएंगे और डॉल्फिन को खिला के हम खजाना ढूंढेंगे। और जो इनमें से सबसे स्पेशल चीज़ है वो है यहाँ पर पोशन स्टैंड, जो ये रखा हुआ है। तो पोशन स्टैंड को भी हम ले लेते हैं, और ये है हमारी सबसे खास, जो हमारा खजाना है वो ये है पोशन स्टैंड। तो हमारा जो चीज़ें है वो काफ़ी सारी भर गई, और देखिए हमें एक पोशन भी मिले, जो वीकनेस की पोशन है। सबसे पहले हमें अपना खजाना खाली करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा चीज़ें है वो रखनी पड़ेगी। और एक्स्ट्रा हमारे पास कारपेट है, तो कारपेट हटा के हमने पोशन रख ली है। और हम आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो ज़ोंबी है, ज़ोंबी विलेजर है, एक ज़ोंबी विलेजर को विलेजर कैसे बनाया जाता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ज़ोंबी विलेजर को वापस से विलेजर बनाने के लिए आपको चाहिए एक पोशन चाहिए, जो कि होती है स्प्लैश पोशन होती है, वो भी वीकनेस की। और स्प्लैश पोशन जो होती है वो फेंकने वाली पोशन होती है, जितनी भी स्प्लैश पोशन होती है वो फेंकने वाली होती है। तो सबसे पहले आपको पोशन लेनी है वीकनेस की, और सीधा फेंक देना है आपको ज़ोंबी के ऊपर। तो हमने स्प्लैश पोशन तो फेंक दिया, उसके बाद हमें एप्पल लेना है, और ये कूर का ऑप्शन लिखा हो इस पर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं इस ज़ोंबी में वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई है, तो ऐसे हमारा जो ज़ोंबी है वो वापस से विलेजर बन जाएगा। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसके लिए आपको एक वीकनेस की पोशन चाहिए, जो स्प्लैश पोशन होती है वीकनेस की, और एक चाहिए आपको गोल्डन एप्पल। पर सबसे पहले आपको पोशन फेंकनी पड़ती है, उसके बाद आपको गोल्डन एप्पल खिलाना पड़ता है, जिससे आपका जो विलेजर है, ज़ोंबी विलेजर है, वो वापस से विलेजर बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और ये बन जाएगा भी। तो फाइनली जो हमारा विलेजर है वो इसे विलेजर बन गया है, और अपने काम पे वापस लौट चुका है, जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए एमरल के बदले क्या देने वाला है, एक अनब्रेकिंग आयरन शोवल देने वाला है, क्योंकि ये एक टूल समेत है, जो टूल बेचता है। और आज की रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं, हमारे इग्लू में, जो हमने अभी ढूंढा है, और इसी में आप अपना सामान रखने वाले हैं। तो अभी तो हम इसी के अंदर रहने वाले हैं, और थोड़ी देर में इस पर बर्फ़ जम जाएगी, और फिर से रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी रास्ता बंद कर देते हैं, ताकि कोई मोब आ ना सके अंदर। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इस बार मैं बोर्ड नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ। और अगर आपने इग्लू ढूंढ लिया है, तो इस सीक्रेट प्लेस को ढूंढना ना भूले, क्योंकि इसमें आपको पोशन स्टैंड मिलेगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि ये बनता कैसे है। लेकिन मुझे बना बनाया मिल गया है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया सर्वाइव करना। और मैं कल जाऊंगा वुडलैंड मेंशन, क्योंकि अभी मैं यहीं रुकने वाला हूं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए एपिसोड में।